सुनना बड़ा पत्थर आ रहा है क्या? निकाल निकाल। तो अपन मनाली से निकल रहे हैं, मतलब मनाली से नहीं निकल रहे हैं, मतलब होटल छोड़ दिया अपन, चेकआउट कर दिए, अब जा रहे हैं कौन सा वैली जा रहे हैं? शिलोंग वैली जा रहे हैं अपन। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर दिखा रहे हैं, वहाँ घूमेंगे, फिर उधर से रिटर्न होंगे, फिर जर्किंग वर्किंग लेना है वो सब लेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या है। फिर तो निकलना है अपन को जिस्पा, अब कब तक आएंगे वो सीन, मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार आ रहा है। देख सकते हैं ऊपर पहाड़ बर्फ की चादर से थोड़ा थोड़ा ढका हुआ है, और अभी अभी सवेरे स्नोफॉल हुई है, ताजी स्नोफॉल मेरे पर लग रहा है, मिल जाएगी। टन टन 24 किलोमीटर रोहतांग। तो अभी अपन हिडिम्बा टेम्पल आ चुके हैं। हिडिम्बा टेम्पल उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, उनकी भी एक कहानी है, मतलब कहानी क्या, जो महाभारत में अपने घटोत्कच थे उनकी माता थी हिडिम्बा, मतलब जो अपने 5 पांडव थे उसमें एक भीम थे, उनकी एक पत्नी थी हिडिम्बा देवी, तो उन्हीं का टेंपल ही है उन्हीं के नाम पे। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं किसको भी, ये व्यू से एक देख सकते हैं यहाँ का, बड़े बड़े पेड़, ये है टेंपल हिडिम्बा देवी का टेंपल, ये एक खरगोश पकड़े हैं बहुत बड़ा। ये टेंपल तो आप ये देख सकते हैं, हिडिम्बा टेंपल के अंदर का था यहाँ का, और ये पूरा सब लकड़ी का बना हुआ है, और ये असली है, ये नीचे वाला ये देख सकते हैं। तो अपन हिडिम्बा देवी के टेंपल से निकल चुके हैं, अब अपन जा रहे हैं, एक आध जर्किंग लेंगे और वो लेना है ऑक्सीजन गैस वो लेंगे, उसके बाद अपन लेह के लिए निकल जाएंगे अटल टनल की ओर से। तो अपन हिडिम्बा देवी के टेंपल से निकले, अब अपन सोलांग वैली भी क्रॉस कर दिए, कुछ था नहीं वहाँ, स्नो था ही नहीं, ऊपर जाना पड़ता, तो अपन वहाँ नहीं गए। तो अपन चिंकी के फोन में निकल गए हैं, और अब यहाँ से अपन डायरेक्ट जाएंगे अटल टनल होते हुए जिस्पा का सोच रहे हैं अपन रुकने का, तो जिस्पा पहुंचेंगे यहाँ 100 किलोमीटर के आसपास है, दिन भर लग जाएगा अपन को ट्रैवल करने में 100 किलोमीटर। रास्ता ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा मोड़ वोड़ ऐसे लिए, तो आप देख सकते हैं ऊपर हल्का का स्नो का चादर, बर्फ़ की चादरें ऊपर लहरती हुई, और चिंकू भाई भी अपनी गाड़ी वैसे ही लहरा रहे हैं। वेलकम टू अटल टनल रोहतांग। Above. You are approaching the highest, the longest, sorry, longest tunnel. तो अपन अटल टनल से अभी वापस जा रहे हैं, क्योंकि अपन गैस रखे थे, जो गैस सिलेंडर था छोटा, तो उसको कैरी नहीं कर सकते, तो वो बोले यहीं रख दो, या फिर एक और है, अपन को आना रहता तो अपन यहाँ रख के जाते, रिटर्न ले लेते, अपन को आना नहीं है, अपन को उधर से जम्मू होते हुए निकल लेना है। तो अपन कहीं जा रहे हैं, इसको थोड़ा आउटर में इसको खाली करेंगे, तो आप भी आएँ तो कैरी करें, लेकिन बट उसको खाली रखें, अगर सिलेंडर भरा रहेगा तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा, या फिर तो ये दिक्कत का चीज़ है, इसीलिए आए तो खाली करके आ जाएं। तो अपन खाली करके आप टनल के अंदर ले जा सकते हो, और टनल के बाद पेट्रोल पंप में के आगे थोड़ा ऑप्शन है कि आप उसको फिल करा सकते हो, रिफिल करा सको आप, और आप डीजल कैरी या पेट्रोल कैरी करके नहीं जाते, हाँ, जा सकते हैं में आप डीजल पेट्रोल यहाँ कैरी नहीं कर सकते, आगे आप कैरी कर सकते हो खाली लेके। और अगर आप ले जा रहे हैं तो चार चीज़ आपको सबसे ज़रूरी है कैरी करना, सबसे पहले तो ऑक्सीजन गैस ये जो अपने खरीदा है, ये अपन को 700 रुपये पड़ा 12 लीटर का है, 5 लोगों के लिए सफिशियंट है, आगे जाके अपन एक और कैरी कर लेंगे इमरजेंसी के लिए, और एक वो टैबलेट ले लीजिएगा,
हाइट के लिए और एक ORS और ORS का पैकेट रख लीजिएगा यहीं लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे ORS का पैकेट क्या बन रहा भाई और सनस्क्रीन क्योंकि ऊपर में गर्मी भी हो रही थी तो पूरा चेहरा जलता है इसीलिए तो आपको ये चार चीज कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अपन यहाँ रुके हैं अपन गैस निकालेंगे 10 किलोमीटर के पैदल है गैस अपन खाली करा लिया ये जो अटल टनल आप देख रहे हैं ये जो 10 किलोमीटर का टनल है और ये स्टार्ट हुआ था 2020 में आप देख सकते हैं हर जगह पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ है इससे पहले 40 था अभी 60 हो गया है अपन 3 किलोमीटर आ चुके हैं अभी और जाना है उसका स्पीड 80 तक और जाएगा आगे जाएंगे अपन तो जहाँ तक उम्मीद है और ये अपन पहाड़ के बीच से जा रहे हैं ये जो टनल बना हुआ है 7 किलोमीटर अभी बचा है लिखा रहा है साइड में कुछ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि इतना किलोमीटर आप चल चुके इतनी स्पीड से आपको चलना है तो आप देख ही सकते हैं ये सबसे लंबा टनल है किधर जाना है इसी सीधे सीधे और अपन अटल टनल से अब निकल गए और ये चंदाड़ा ब्रिज है ये अटल के बाहर का नजारा है पूरा इधर अलग ही दुनिया है वहाँ पहुँचने के बाद क्या सीन रहता है वो वहीं पहुँच के ही देखेंगे टांडी 24 किलोमीटर आ गया यहाँ वाले कुछ स्पोर्ट्स भी हो रहा है हाँ दिखा वो झरना दिख रहा होगा आपको उधर यहाँ भी एक छोटा सा झरना है और देख सकते कितने ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे यहाँ से 50 किलोमीटर है जिस्पा जाएंगे अपन वो है जिस्पा में वो आ रहा है अपना स्ट्री और ये एक पेट्रोल पंप है 7 किलोमीटर है 32 किलोमीटर है जिस्पा है जिस्पा है वो अच्छा सरचू 110 है तो ये एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर अभी रुके हैं यहाँ टैंक फुल कराएंगे फिर से कराया था पीछे लेकिन फिर से कराएंगे टेंपल की तस्वीरें देख तो और ये इसके बाद फिर जो पेट्रोल पंप पड़ेगा वो डायरेक्ट 365 किलोमीटर के बाद पड़ेगा यहाँ लिखा हुआ भी हुआ है नेक्स्ट फेलिंग आफ्टर 365 किलोमीटर्स वापस इंडियन ऑयल का बना हुआ है आप देख सकते हैं ये आखिरी पेट्रोल पंप नहीं था इसके आगे 7 किलोमीटर बाद एक और पेट्रोल पंप है भैया ने बताया उसके बाद डायरेक्ट पर लोग डर से यहीं फुल टैंक करवा लेते हैं क्योंकि आगे वाले पेट्रोल पंप में रहा नहीं रहा तो दोस्तों अपन केलंग पहुंच चुके हैं और बर्फ अपने और करीब आते जा रहा है और हम भी बर्फ के और करीब आते जा रहे हैं जब से अटल टनल बना है तब से दूरी बहुत कम हो गई है नहीं तो केलोंग की दूरी 110 किलोमीटर थी रोहतांग पास होते हुए जाते थे लेकिन अब यहाँ के आने वाले कुछ ही सालों में मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे सुरंग बन जाएंगे और हम लेह लद्दाख तुरंत ही पहुँच जाएंगे चंद मिनटों में
चंद मिनटों में, चंद घंटों में। और यही है केलोंग, ये रुकने वाला नहीं है, गिरने वाला। ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर है पीछे, देख सकते हैं आपके हम बर्फ के और करीब आ चुके हैं। नीचे खाई बहुत गजब का है, मनवाद जब काटे ना चट्टान पे एकदम नीचे बहुत ही खतरनाक। देखिए मतलब कि वो तो सीधा ही में काटे भाई आप, कोई पीछे पीछे ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट हो रहा है, सुनना बड़ा पत्थर आ रहा है क्या, निकाल निकाल चिंग चिंग निकाल 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 तुरंत निकाल, यही सब देखना है पता है, खूबसूरत है पर इसमें ये खतरा है भाई। मनमत रिश कहते हैं इसके, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मनमत। अबे मैं नीचे देख रहा, तू ऊपर देख, ठीक देखते रहना, अब तू रोड पे देख, हम देख सकते हैं कितना ही ऊंचा पहाड़ है, और कभी भी यहाँ कुछ भी हादसा हो सकता है, तो आप संभल के चले और सुरक्षित चले। तो अपन जिस पर पहुंच गए थे, लेकिन अपन जिस पर से वापस आए हैं केलोंग, क्योंकि अपना गैस जो खाली हुआ था अटल टनल के पहले, जिस पर मैं नहीं भराया ना ही उसके पहले भी भराया, तो 18 किलोमीटर वापस आना पड़ा अपन को केलोंग, और यहाँ पर फिर गैस जाना है। यहाँ गैस 250 रुपये अटल, 240 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो अपन 2 किलो डलवा लिए हैं फिलहाल, तो काम हो जाएगा। और वहाँ अपन को 5 लोग और मिल गए, वो दिल्ली से आए थे, तो वो लोग भी वहीं स्टे करेंगे जिसपा में, तो अपन जिसपा जा रहे हैं। अगर जिसपा में आपको डलवाना हो तो जिसपा आइएगा, नया बस स्टैंड, अरे केलोंग अगर डलवाना हो तो केलोंग जाइएगा, पूछ लीजिएगा किसी से भी, नया बस स्टैंड, नया बस स्टैंड में नीचे में एकदम आखिरी में जाकर राइट साइड में, वहाँ आपका बनाया जाएगा। तो अपना कैंप ये देख रहे हो, यही अपना कैंप है, ये भाई को साइड रिवर कैंपिंग, यहीं से अपन उतरेंगे हीरामणि रिवर कैंप। अब नीचे आके देखते हैं कैसा है क्या है। तो अपन वो वाला टेंट छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा टेंट, बहुत ही ज़्यादा छोटा टेंट था, तो अपन यहाँ ये वाला टेंट में स्टे कर रहे हैं अभी, देख सकते हैं क्या ही सीन है। तो ये अपना टेंट है, ये है अपना वॉशरूम,